मामला कुछ नहीं, ये एक तो साल के बीच में हो रहा है, ये तो होता ही नहीं। और सीधा दिख रहा है, हम अभी अंदर थे, कोई हाँ उला किया लेकिन अभी तक किसी टीवी पे नहीं गया, लेकिन फिर भी कॉल आ रहा है। उन तक तो न्यूज ही नहीं कि फिर भी कॉल आ रहा है, अगर हम अंदर बैठे फिर भी कॉल आता। सीधा दिख रहा है साजिश है, और हमारे हम जम कर रहे मन से कर, टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहे उनको क्यों हटा रहे, और अब बोले कि टेम्परेरी लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट डाउन होगा मार्च, और लगाएंगे फरवरी में लगाएंगे, और तब तक और बच्चे दूर से गाँव से आते, डाणियों से आते, बट किसके पीछे साइंस का रिजल्ट, अभी पिछले साल का रिजल्ट देख लो, अब हुआ किसके वजह से, सरों की वजह से, अच्छा पढ़ा है तभी सरों की वजह से हुआ है। आगे का सर हमारा रिजल्ट डाउन होगा, लड़कियों को बड़ी मुश्किल से साइंस दिलवाते बच्चे, पेरेंट्स बड़े मुश्किल से बच्चियों को साइंस दिलवाते, कोई यहाँ दिलवाएगा नहीं, बच्चियाँ पढ़ेगी कैसे, बच्चियाँ पढ़ेगी बड़ी तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से आएंगे। हमारा विरोध यही था कि हमारे जो दो शिक्षक हटाए गए हैं भौतिक विज्ञान और गणित के, तो हमारी मांग यही है, हम वसुंधरा सरकार से और सभी राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि हमारे कई गुरु वापस कहीं पर उनकी वापसी हो। हमारा एक आखिरी यही मांग है कि हमारे गुरुओं का स्थानांतरण जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। ये जैसलमेर की प्राउड कोचिंग क्लासेज जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने हमारे गुरुओं को किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। अगर यह स्थानांतरण नहीं रोका जाता तो हम हाई स्कूल के सभी विज्ञान वर्ग के छात्र स्कूल पर तालाबंदी करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे और सभी छात्र रोड पर बैठ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनको जैसे बच्चे अभी हम ऐसे आए तो ऊपर से बीकानेर से कॉल आए कि हाथों एंड टू एंड रिलीव करो, जबकि कई बार ये होता है कि हम भी हमारे अधिकारी वगैरह होते हैं कि नया आके ज्वाइन करता है, चार्ज एंड ओवर करता है तब हम करवाते हैं। हमारे ज़िले में कई अभी भी कई पोस्टें खाली पड़ी हैं मुख्य, लेकिन वहाँ भी हम चुप हो जाते हैं कि थोड़ा प्रोग्रेस कम होगी। यहाँ तो जो बच्चों के भविष्य का सवाल है, अगर ये टीचर यहाँ से हटते हैं और वास्तव में दूसरे नहीं लगाए जाते हैं तो शायद इनका रिजल्ट और इनका जो भविष्य है ये तो अंधकार में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। साथ में इसमें एक इस तरह का प्रेशर ये समझ नहीं आ रहा है कि जैसे बच्चे यहाँ बैठते हैं वहाँ से इतनी, मैंने तो ये पहली बार देखा है कि बीकानेर से कॉल आ रहे हैं कि 10 अधिकार इनको पीओ को भी कि 10 मिनट में रिलीव करिए, तो ऐसा क्या, ऐसी इमरजेंसी आ गई है, ऐसा क्या दबाव है कि इस तरह की, मतलब बहुत शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जैसलमेर जिला वैसे ही पिछड़ा हुआ है, इस तरह की घटनाएं जिसमें बहुत दुखद है कि सीधा साधा जो राष्ट्र का भविष्य हमारे बच्चे हैं उनके साथ, एक भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।